और हल्द्वानी में भू कानून की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद बिष्ट और विधायक सुमित हृदेश के नेतृत्व में भू कानून लागू करने को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान कांग्रेस विधायक के सुमित हृदेश ने कहा कि उत्तराखंड में भू कानून की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही युवाओं के साथ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार शपथ पत्र जारी करे, कांग्रेस मूल निवास को लेकर सदन में भी सरकार से सवाल करेगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। एक सशक्त भू कानून उत्तराखंड वासियों के हित में है। जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने एक भू कानून में संशोधन कर अनलिमिटेड जमीन बाहर का व्यक्ति यहाँ खरीद सकता था, जो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों के हित में नहीं है और उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना के बाहर है, तो हम सशक्त भू कानून की मांग करते हैं। और साथ ही स्थानीय उद्योगों में 70% रिजर्वेशन का जो कांग्रेस ने प्रस्ताव कैबिनेट में पास किया था, उसे लागू करने की मांग वर्तमान सरकार से करते हैं। भैया, अभी बड़े लंबे अंतराल के समय में उत्तराखंड के वासियों ने जब मतलब भूमि पर अतिक्रमण किया है, जिसमें हमारे उनके उत्तराखंड के लोग चाहते हैं कि भू कानून और मूल निवासी प्रमाण पत्र को लेके उन्होंने 24 दिसंबर को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में काफ़ी आंदोलन किया था। और इसी के तहत हम आज सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा सिटी नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए। हमारे उत्तराखंड सरकार से यही निवेदन है कि देखिए, सभी राज्यों से आके जो अपनी ज़मीनें हमारे उत्तराखंड की ज़मीनों को खरीद रहे हैं अपने व्यवसाय के लिए, तो उन पे ऐसा अधिनियम या ऐसी समिति बनाई जानी चाहिए, ऐसा नियम बनाने चाहिए कि उत्तराखंड के भूमि उत्तराखंड के लोग भूमिहीन ना रहे। और उन्हें नहीं, देखिए पूरे राज्य का जो हमारा जो पहाड़ का निवासी है, जो मैदानी निवासी है, उत्तराखंड राज्य के निर्माण के बाद से और उससे पहले जो योगदान यहाँ दे चुके हैं, जो पुराने परिवार हैं, वो सशक्त भू कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं। पंडित नरेंद्र तिवारी जी की प्रथम सरकार बनी थी तो एक भू कानून अधिनियम यहाँ पे बना था, उसमें बाहर वालों की खरीद फरोख पर जमीन पर एक रोक लगाई गई। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जब सरकार आई तो उन्होंने इस व्यवस्था को रिवर्स कर दिया और यहाँ पे अब जितनी भी सीमा में कोई ज़मीन खरीदना चाहे तो उससे कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, कहीं ना कहीं जो पहाड़ों का जो पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए उसमें घात लग रहा है। अवश्य हम लोग सशक्त भू कानून की हम लोग कांग्रेस आज हमारा स्थापना दिवस है हम मांग करते हैं। और साथ ही साथ सिडकुल में 70% आरक्षण के नाम पर कितना सत्यापन ये लोग कर सकते हैं, इस पर श्वेत पत्र जारी करें कि 70% आरक्षण क्या वहाँ पे फैक्ट्रियों में जिस अनुरूप हमारी प्रथम सरकार में मिलता था, आज वो परिस्थिति है या नहीं है, ये हमारी मांग।